को किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। और अगर मोदी बोलता है तो सवाल उठाया जाता है कि शालीनता कहाँ है। मैं तो जनता की आवाज बोलता हूँ। मैं दिल्ली की एलीट क्लास क्लब का मेंबर नहीं हुआ है। मैं तो गरीब गांव का आदमी हूँ। गरीब के घर में पैदा हुआ हूँ, चाय बेचते बेचते यहाँ आया हूँ। मैं तो एलीट क्लास का मेंबर नहीं हूँ। जनता की आवाज उठाता हूँ। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, मैं हिम्मत के साथ जनता की आवाज को बुलंदी देना चाहता हूँ। और इसलिए मैं कहता हूँ भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री ने ये कहा कि भाजपा के लोग पूरी राजनीतिक चर्चा को नीचे ले जा रहे, नीचे। महापुरुषों के बताए रास्ते पर भी चलना जरूरी होता है। इसमें कोई मतभेद है क्या भाई? कोई मतभेद है? कोई मतभेद है? प्रधानमंत्री जी, मेरे लिए आपकी ये बात सर आंखों पर। महापुरुषों का सिर्फ नाम नहीं लेते, उनकी कही हुई बातों के ऊपर चलना भी चाहिए। चलना चाहिए ना, चलना चाहिए भैया, चलना चाहिए ना। हम लोग आज संकल्प करें, आज हम संकल्प करें इस दुदू की सभा में कि महापुरुषों ने जो रास्ता दिखाया है, जो काम कहा है उसको पूरा करेंगे, करेंगे। देखिए भैया, हमारे देश में महात्मा गांधी से बढ़कर कोई बात नहीं है। और महात्मा गांधी ने जो कहा है उसको तो करना ही चाहिए, नहीं करना चाहिए। महात्मा गांधी की एक इच्छा अधूरी रह गई है। जीवन के अंत काल में महात्मा गांधी, उनकी एक इच्छा थी, वो पूरी नहीं हुई। वो पूरी करेंगे आप? गांधी की इच्छा पूरी करेंगे? मोहनलाल करमचंद गांधी हैं, पूरी करेंगे? पक्का करेंगे? भाइयों बहनों, महात्मा गांधी ने कहा था, देश आजाद होने के बाद उन्होंने कहा कि आजादी मिल गई है, अब देश को कांग्रेस पार्टी की जरूरत नहीं है। गांधी जी ने कहा था, कांग्रेस को बिखेर दो, इस देश को कांग्रेस पार्टी की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं महापुरुषों के रास्ते पर चलना चाहिए। हम दुदू वाले चलेंगे, राजस्थान वाले चलेंगे, जयपुर जिले वाले चलेंगे, पूरा हिंदुस्तान चलेगा। कांग्रेस को बिखेर देना है, महात्मा गांधी का सपना पूरा करना है। भाइयों, कांग्रेस को जरूरत नहीं है, महात्मा गांधी कह के गए हैं। अब प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि महापुरुषों ने कहा है वो करना चाहिए, महात्मा गांधी ने कहा था कांग्रेस को बिखेर देना चाहिए। हम संकल्प करें सदा सर्वदा के लिए कांग्रेस मुक्त राजस्थान, कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी जब चुनाव होते हैं ना तो बहुत नम्र हो जाती है, सर झुका के आती है, और आकर के कांग्रेस पार्टी पहले आपसे हाथ मिलाती है, फिर हाथ दिखाती है, एक हाथ दिखाती है और दो हाथ से लूटती है, पहले हाथ मिलाना, फिर हाथ दिखाना, फिर हाथ से लूटना और फिर हाथ की आजमाई शुरू होती है, हाथ चालाकी शुरू होती है और धीरे धीरे
हाथ की सफाई नजर आती है। भाइयों बहनों, सब कुछ सफा चट कर दिया है, कोयला भी नहीं बचा, खेत भी नहीं बचा, रेत भी नहीं बची, रेल भी नहीं बचा, खेल भी नहीं बचा। जल हो, थल हो, नल हो, तीनों लोक में लूट चलाई है भैया, तीनों लोक में लूट चलाई है। ये गरीब का पैसा है, सामान्य मानवी ने टैक्स देकर के पैसा दिया हुआ है, ये तिजोरी लूटने के लिए नहीं है। भाइयों बहनों, मैं आपसे वादा करने आया हूं, आप भारतीय जनता पार्टी को अवसर दो, हम चौकीदार बन के काम करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम कभी भी हिंदुस्तान के गरीब के पैसों से भरी हुई तिजोरी, उस तिजोरी पर कोई पंजा नहीं पड़ने देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी, राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी, 6 महीने के बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी, राजस्थान के लोगों के हाथ में दो दो हाथ में लड्डू है, यहां भी भाजपा सरकार, वहां भी भाजपा सरकार, विकास की यात्रा इतनी तेज गति से चलेगी। और मुझे विश्वास है बहन वसुंधरा जी के नेतृत्व में राजस्थान नई ऊंचाइयों को पार करेगा, विकास की नई ऊंचाइयों को पार करेगा। अब आपको दवाई चाहिए, रहने को घर चाहिए, सामान्य चीजों की पूर्ति करना भी 60 साल में इन्होंने किया नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं, 1 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वलंत विजय दिलाएं, और तय करें, हर कोई तय करे, पहले मतदान फिर जलपान, मतदान किए बिना जलपान नहीं करेंगे, पहले मतदान करेंगे फिर जलपान करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।